हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमर रहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी एनआरसी के बारे में एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है। ये गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि अगर उनका नाम एनआरसी में नहीं आए तो उन लोगों को इंडिया के बाहर यानी बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बहुत सारे लोग आसाम के एनआरसी के साथ बांग्लादेश की लिंक देखते हैं, लिंक करते हैं। ये भी एनआरसी के बारे में एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। वीडियो को आप पूरा देखिए, छोटा सा वीडियो है, आपको पूरा पता चल जाएगा। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबाकर रख लीजिए ताकि नए नए इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलिए, क्या अपडेट है जल्दी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये न्यूज़ 18 का अपडेट ही है। अभी देखिए कुछ समय पहले ये अपडेट आया है, पीएम मोदी से बात की, सब कुछ ठीक है, बांग्लादेश की शेख हसीना ने एनआरसी से कई समस्या नहीं। छोटा सा अपडेट है, यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आश्वासन से संतुष्ट है थी कि उनके देश को असम में लागू किए जा रहे नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी से अधिक परेशान नहीं होना चाहिए। हसीना विश्व आर्थिक मंच के भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली में है और द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए शनिवार को वो मोदी से मुलाकात करने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के दूत सैयद मोज्जम अली द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में एनआरसी के बारे में बोलते हुए हसीना ने कहा कि वो अब्बास के साथ एक समस्या नहीं देखती है। मैंने पीएम मोदी के साथ बातचीत की है, सब कुछ ठीक है, उसने कहा था। तो फ्रेंड्स, ये पे बहुत सारे लोग आसाम के एनआरसी के साथ जो है बांग्लादेश की लिंक करते हैं। यहाँ पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आसाम के एनआरसी को लेकर बांग्लादेश को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन इंडियन सिटीजन हैं तो आपको इसको लेकर कोई परेशान होना चाहिए। अगर आपका नाम एनआरसी में नहीं आया, अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है तो आपको ये प्रूव करने का मौका मिलेगा कि आप एक इंडियन सिटीजन है या नहीं, आपको इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। अगर आपको इसके अलावा कोई कुछ जानना है एनआरसी के बारे में तो कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।